मैम, आज के प्रोग्राम के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। आप भी बैठे थे, आपने जैसे देखा, मेरे साथ हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं, सोरेन भगत जी हैं। आपने देखा, हमने एक MOU साइन किया जिसमें हम आइडियाज बताएंगे, इनोवेटिव आइडियाज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रिगार्डिंग यू नो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने ऑलरेडी हमें कुछ प्रोजेक्ट्स फंड किए हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, जहाँ कहीं पे काम कंप्लीट हुआ है, कहीं काम चल रहा है, लेकिन बहुत स्कोप है आगे भी काम करने का। और आज का जो प्रोग्राम था, ये हमने जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ईदगाह है, उनकी कोलैबोरेशन में हमारा डिपार्टमेंट ऑफ बायो रिसोर्स जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेटिव में ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, फर्स्ट हैंड ट्रेनिंग पर्टेनिंग टू यू नो रिसर्च जो है टू द फैकल्टी। जितना भी हमारा इक्विपमेंट है यूनिवर्सिटी में, चाहे फूड टेक्नोलॉजी में है, चाहे बायो रिसोर्स में है, जहाँ भी जिस भी डिपार्टमेंट में, फर्स्ट हैंड ट्रेनिंग दी जाएगी ऑफ द इक्विपमेंट हमारी फैकल्टी को, रिसर्च स्कॉलर्स को, स्टूडेंट्स को। उससे एक उनको कॉन्फिडेंस आएगी कि सिर्फ वो एक यू नो थ्योरी टाइप ऑफ लेक्चर नहीं सुनेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल भी देखेंगे। आपने देखा होगा कि डॉक्टर जावेद साहब हमारे एक कीनोट स्पीकर हैं, वो सेशन लेंगे फैकल्टी का, स्टूडेंट्स का, बाकी भी सेशंस ले रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जो है प्रोग्राम एक बहुत ही एक फ्रूटफुल प्रोग्राम रहेगा। मैं हेड डिपार्टमेंट ऑफ बायो रिसोर्सेज डॉक्टर मंजूर साहब को मुबारकबाद देती हूँ, और उनकी फैकल्टी को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को, सोरेन भगत जी को, कि और ईदगाह डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल को, जो ये कोलैबोरेटिव प्रोग्राम एक हुआ। इन प्रोग्राम्स की और भी ज़रूरत है, और इनफैक्ट हम बहुत आगे प्रोग्राम्स करेंगे विद डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इदारा है, उसने आज MOU साइन किया है कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ। हम मजबूर हैं वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी के, कि जो बच्चे हैं जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन करते हैं, और जो डिपार्टमेंट के इंपॉर्टेंट प्रोफेसर और फैकल्टी हैं, उनको इस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए इस साल हमने लगभग 123 प्रोजेक्ट पूरे जम्मू कश्मीर की वेरियस यूनिवर्सिटीज में स्पॉन्सर किए थे, उसमें से 14 कश्मीर यूनिवर्सिटी को दिए गए थे। और इसका जो अच्छा रिजल्ट आया, उसको ध्यान में रखते हुए अगले साल के लिए हम लोग 50 ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम फंड करेंगे, जो टोटल रकम लगभग 13 करोड़ की रकम इन्वॉल्व होगी। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट है जम्मू कश्मीर में, और जो यूनिवर्सिटीज का कनेक्ट है हमारे मार्केट के साथ, बिजनेस के साथ, उसको एस्टेब्लिश किया जाए। आज मैडम के साथ ये भी डिस्कस हुआ कि जो भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें खासतौर पर हमारे ऑनरेबल LG साहब की तरफ से दल लेके रिजुविनेशन के बारे में बात हुई, या वेस्ट टू एनर्जी के बारे में बात हुई, और कुछ इंपॉर्टेंट एरिया जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स को एक्टिवेट करने के लिए, उन सभी के अंदर कश्मीर यूनिवर्सिटी के जो अच्छे फैकल्टी है, खासतौर पर जैसे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, फिजिक्स डिपार्टमेंट है, बॉटनी डिपार्टमेंट है, उनसे हम हेल्प लेंगे। और जो बच्चे यहाँ के जो अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, उनको नेशनल लेवल फंडिंग दिलवाने की कोशिश करेंगे, ताकि रिसर्च यहाँ से यहाँ तक ना रुके और इंडस्ट्री तक पहुंचे। तो इसके लिए ये जो आज हमारा MOU हुआ, ये इसकी अच्छी शुरुआत है। मुझे लगता है कि आगे चल के कश्मीर यूनिवर्सिटी, जो कि एक बहुत बड़ा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, एक NAC अक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है, उसकी एक्टिविटीज में एक बड़ा अच्छा एडिशन हमारा डिपार्टमेंट करेगा। और इसमें जो सपोर्ट हमें वाइस चांसलर मैडम की तरफ से मिला है, उसके लिए हम मजबूर हैं। थैंक यू सो मच। आज का प्रोग्राम जो था, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ JNK के साथ हमारा एक MOU होने वाला था, जो कि हमारी रिसर्च एक्टिविटीज यूनिवर्सिटी में हो रही है, उनका सोसाइटी को कैसे फायदा पहुंचे, तो हम ज्यादा से ज्यादा फंड्स कैसे ले पाए अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। इस साल भी ऑलमोस्ट 14 प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को मिले थे जम्मू एंड कश्मीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से, तो हम चाह रहे थे कि इस साल वो 14 के बजाय 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट हम ले आए इस यूनिवर्सिटी के अंदर, और जो भी हमारा रिसर्च हो, एक्सटेंशन एक्टिविटीज हो, को करिकुलर एक्टिविटीज हो, या बाकी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो, उनमें हमें जो जम्मू एंड कश्मीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, वो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और जो एफिलेटेड कॉलेज हैं इसके, तो उनके साथ एक लिंक बने, तो उस लिंक के थ्रू हम एक्सीलेंस की तरफ हम मूव करें। जो भी हमारे
रिसर्च है, एक्सटेंशन एक्टिविटीज, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, उनको हम आगे ले जाएं और जो फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हमें मिले यूनिवर्सिटी की तरफ से और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर्स या बाकी चीज उनके दरमियान एक लिंक बने तो उस लिंक के थ्रू हम आगे जा पाए और हमें रिसर्च एंड एकेडमिक्स और अवेयरनेस और एक्सटेंशन एक्टिविटीज को हम स्ट्रेंथन करें इस यूनिवर्सिटी में। तो दिस यही सबका मुद्दा था। सर क्या आगे और ये प्रोग्राम्स देखने को मिलेगी डिपार्टमेंट की तरफ? हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ बायो रिसोर्स इज ट्राइंग टू अचीव दिस एक्सीलेंस एंड वी हैव बीन स्ट्राइविंग फॉर दिस सिंस लास्ट टू इयर्स। वी हैव ऑर्गेनाइज्ड ऑलमोस्ट 10 प्रोग्राम्स ऑफ एक्सटेंशन एक्टिविटीज, अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड मेनी थिंग्स। सो दिस वाज वन अमंग दैट सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स एंड इन फ्यूचर वी विल होल्ड दीज प्रोग्राम्स एज वेल। दिस इज अ 7-day प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस event for faculty development program where we had roped in the faculties from research institutes and degree colleges and the university as well. So in future we will continue this journey of having more collaborative research projects not only with the science and technology department but with various other funding agencies as well. So I think the Department of Bioresources is a newly established department. We are trying our best whatever we can do and this is one of the aspect of that. Thank you, sir. Thank you so much.